हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी सुबह थोड़ी और जल्दी हुई है, 5 बजे के अराउंड अलार्म लगाया था, 5:15 तक उठी हूँ क्योंकि आज अनुज को भी ऑफिस जाना है, तो सारा कुछ बना के देना है, ब्रेकफास्ट भी, लंच बॉक्स भी पैक करना है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए स्पेगेटी बॉयल होने के लिए रख दिया है और राइस भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। रोंगी मैंने कल रात को ही सोक करके रखी थी, तो उसको भी इंस्टेंट पॉट में प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है। तो सुबह उठ के सबसे पहले ये बॉयलिंग का काम एक बारी कुक टॉप पे रख दो कि वो अपना काम होते रहे, उसके बाद ही मैं 5 मिनट अपने लिए निकाल के गर्म पानी पीती हूँ। तो जब टाइम होता है तो कुछ बॉईल कर लेती हूँ, लाइक जीरा वाटर या सौंफ का पानी, और जब टाइम नहीं होता है तो नॉर्मल गर्म पानी पी लेते हैं। हमारे गार्डन में खूब सारे पालक हुए थे ना, तो पॉसिबल था नहीं कि एकदम से आप उसको बना के खा लो, तो हमने उसको अच्छे से धो के ब्लांच करके इस तरह से ना आइस क्यूब्स में डाल के क्यूब्स बना के फ्रीज कर लिए। तो जब भी ज़रूरत होता है बस निकाल के आप यूज़ कर लो। तो इस तरह के क्यूब्स पास्ता बनाने के लिए या फिर जैसे दाल पालक बनाते हैं वो बनाने के लिए, पालक पनीर बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, इनफैक्ट टेम्परेचर माइनस में भी जा रहा है रात को। तो 3-4 दिन पहले हमने सारे टमाटर तोड़ के ना यहीं पे फ्रूट बास्केट में रख दिए थे और तब सारे ही ग्रीन थे। 3-4 दिन में इतने सारे रेड टमाटर हो गए हैं और ये टमाटर ना बहुत खट्टे हैं, लाइक वो देसी टमाटर नहीं मिलते इंडिया में वैसे ही, जो देखने में तो उतनी खूबसूरत नहीं होते बट स्वाद बहुत मज़ेदार होता है, और आधा ही टमाटर डालो इतनी अच्छी खटास आ जाती है ना। और हमारे तो चलो बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं है, यूज़ हो जाएंगे, बट एक्चुअली अगर बहुत ज़्यादा टमाटर हो गए हैं तो उसका भी पेस्ट बना के हम फ्रीज करके ऐसी आइस क्यूब्स के जैसे फ्रीज करके रख सकते हैं। हो रहे हैं, राइस बन चुका है, स्पेगेटी बॉयल हो चुकी है, चाय मैंने चढ़ा दी है, यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है पास्ता के लिए सॉस बनाने के लिए, और यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल गरम हो रहा है रोंगी के लिए छौंक लगाने के लिए। गार्लिक मैंने एक साथ ही क्रेट कर लिया था, पास्ता सॉस में भी यूज़ होगा और रोंगी के लिए तड़का बनाऊंगी उसमें भी प्याज अदरक लहसुन और टमाटर। 1 चम्मच आटा ऐड किया है, जैसे वाइट सॉस बनाते हैं ना उस तरह के टेक्सचर के लिए, तो ये हल्का सा भून लूँगी। स्पिनच क्यूब्स को थोड़े से गर्म पानी में रख दिया था मैंने। रोंगी के लिए मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई कर लिया है और फिर सारे बेसिक मसाले ऐड करके, और फिर रोंगी बॉयल तो हो ही गई थी उसमें मसाला मिक्स कर लिया और खूब सारा धनिया। यहाँ पे हो गया अनुज का लंच बॉक्स रेडी, रोंगी इसमें डाल दिए कि गरम रहेगा, राइस और दही। ये है ब्रेकफास्ट, ब्रेड और ऑरेंज। यहाँ पे जूनियर हाई में स्कूल बस नहीं मिलता है, येलो बस नहीं मिलता है, नॉर्मल ट्रांजिट ही यूज़ करना पड़ता है, बट हमारा जो एरिया है ना यहाँ पे ट्रांजिट अभी तक आया नहीं है, इसलिए स्पेसिफिकली इस एरिया के लिए येलो बस अवेलेबल है। ये हमें पहले नहीं पता था, बाद में पता चला, तो जब 10-15 डेज हो गए स्कूल के तब ये शाह को बस मिलना स्टार्ट किया, अदरवाइज़ अनुज ही ड्रॉप करते थे, तो ये अच्छी बात हो गई, लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि ट्रांजिट नहीं है तो स्कूल बस मिल गया। हल्की फुल्की बारिश हो रही है और रेनबो अम्ब्रेला के साथ केयूश स्कूल जा रहा है, पर बारिश तो हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी। केयूश हैवी प्ले कर रहा है। yeah,
थोड़े से लेटर्स अभी भी हैं गार्डन में। हमारे घर का जो नीचे वाला बाथरूम है उसको पाउडर रूम बोलते हैं बेसिकली, बट ये फुल बाथरूम है तो हम बाथरूम ही बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है ये। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा क्लटर्ड है और कुछ डेकोर भी मैंने यहाँ पे ऐड किया नहीं है, तो मैंने सोचा छोटे छोटे कुछ चेंजेस करते हैं और ये जो सिंक एरिया है इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं। वैसे तो विजुअल क्लटर को कम करने का सबसे बड़ा तरीका होता है बास्केट में हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा कर ले, मगर वो चीज़ें अगर इतनी खूबसूरत नहीं है तो उस स्पेस को डेकोरेट और ऑर्गेनाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इस तरह का कोई बॉक्स ले लें जो कि कवर्ड है और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें इकट्ठा कर लें। ये बॉक्स मैंने होमसेंस से लिया था, दो बॉक्स है, एक और छोटा भी है जो मैंने अपने बेडरूम के बेड साइड टेबल पे रखा है। ये छोटा सा वुड राइजर अमेज़न से है, मैं सारे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी भी वाइट स्पेस में पॉपअप कलर ऐड करने का बेस्ट तरीका होता है एक छोटा सा प्लांट ऐड कर सकते हैं या फिर पिक्चर फ्रेम्स। ये फ्रेम्स आपने मेरे पुराने घर में किचन वॉल पे देखा होगा, तीन लगे हुए थे बट यहाँ पे मैं सिर्फ दो हैंग करने वाली हूँ। बहुत ही हल्के फ्रेम्स हैं ये, तो छोटे वाले जो नेल्स होते हैं मैंने वो हैमर कर लिया है। इन जस्ट 5 मिनट्स हमारा नॉट सो ब्यूटिफुल स्पेस अब काफी ब्यूटिफुल लग रहा है। गाने सुनते सुनते सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं, बस ये टेबल मैट्स हैं, कॉटन के हैं तो वॉश करने के बाद इसको थोड़ी बहुत आयरनिंग की ज़रूरत है, तो यहीं पे वॉक इन क्लोज़ेट जो है ना यहीं पे मैंने आयरनिंग स्टैंड लगा के रख दिया है कि जब भी टाइम होता है फटाफट से आयरनिंग कर लो। बहुत ज़्यादा आयरन वाले कपड़े तो होते नहीं है मेरे, मोस्टली यही टेबल क्लॉथ मैट्स और कुछ बेडशीट्स होते हैं कॉटन के जो वॉश करो तो थोड़े से क्रश हो जाते हैं, या फिर अनुज को जिस दिन ऑफिस जाना होता है फिर वो अपने शर्ट पैंट प्रेस करते हैं। कॉस्को से ना ये बॉडी स्क्रब का सेट लिया है मैंने, काफ़ी टाइम बाद मैं बॉडी स्क्रब यूज़ करूँगी, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं कि लास्ट कब मैंने बॉडी स्क्रब यूज़ किया होगा और कौन सा किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। $20 का तीन आया है, एक है पोमोग्रेनेट सीड एंड शिया बटर, दूसरा है ब्राउन शुगर एंड कोकोनट बटर और थर्ड है हिमालयन सॉल्ट एंड रोज ऑयल। तो आज मैं सोच रही हूँ ब्राउन शुगर एंड कोकोनट बटर यूज़ करूँगी, आज मेरे पास टाइम भी है क्योंकि अनुज घर पे होते हैं ना तो थोड़े थोड़े टाइम पे ये दे दो ये कर लो ये काम है वो काम है तो उनका चलता रहता है। तो आज तो लंच भी बना चुकी हूँ मैं, पापा टीवी देखते हैं, वो इंडिया के ना न्यूज़ देखते हैं इस टाइम पे बैठ के, तो पापा अपना न्यूज़ टाइम एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सेल्फ केयर में आज टाइम स्पेंड किया जाए। और आज का वेदर भी है ना ऐसा कोजी कोजी लेजी वाला, अगर मैं सच में चाहूँ ना तो बड़े इजीली ब्लैंकेट में घुस के पूरा दिन रिलैक्स कर सकती हूँ, कुछ नहीं करूँ तो भी चलेगा। लेकिन क्या होता है ना जब आप इस तरह से खाली बैठते हो
लगता तो है कि वॉर्म होके कोजी होके बैठे हो, बट फिर माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स घूमने लग जाते हैं, परेशान करते हैं। तो इसलिए मेरे लिए यही वर्क करता है कि मैं अपने आप को क्रिएटिवली प्रोडक्टिवली बिजी रखूं। तो या तो घर के काम हो या फिर इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग सेल्फ केयर वाले आराम वाले काम हो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज वॉर्म बाथ लेती हूँ, ये स्क्रब भी यूज करती हूँ और एप्सम सॉल्ट डालूंगी मैं पानी में। लास्ट कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ज्यादा बॉडी एक हो रहा था, तो मैं ये एप्सम सॉल्ट कंटिन्यूअसली यूज कर रही थी। मैं इनफैक्ट मसाज के लिए भी गई थी और उन्होंने भी मुझे बोला कि काफी सारे मसल्स मेरे पुल हैं, टाइट हैं। तो मसाज के बाद तो बहुत आराम आया। और फिर ये एप्सम सॉल्ट यूज करके आप देखना, अगर आपको भी ऐसे बॉडी एक या लेग में पेन रहता है ना, एंकल में पेन रहता है, तो वॉर्म वाटर भर लो किसी भी बकेट में और 1 कप अच्छे से एप्सम सॉल्ट डाल लो और पैर डिप करके बैठे रहो 15-20 मिनट्स के लिए, रिलैक्स करो और फिर सोने जाओ। आप देखना आपको नींद भी ज़्यादा अच्छी आएगी। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वर्क करा है। तो कॉस्को में ना बड़ा वाला पैक मिलता है एप्सम सॉल्ट का, तो हम तो वही लेके आ जाते हैं। आप लोगों से एक बात शेयर करूं, मैं ना हमेशा सोचती थी, जैसे मैं जॉब करने से पहले घर पे होती थी तो कभी ऐसा टाइम नहीं मिला ना, हमेशा बच्चे होते थे। लाइक यशा ने भी स्कूल स्टार्ट किया तो केयूष होता था, और जैसे ही केयूष ने किंडरगार्टन स्टार्ट किया, इनफैक्ट मैंने उससे पहले ही जॉब ज्वाइन कर लिया था, तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि बिना बच्चों के मैं पूरा दिन घर पे अकेले अपने साथ अपने लिए टाइम स्पेंड करूं। और मैं हमेशा बोलती थी अनुज को, क्या मेरी जॉब लगवा दी, मैं 1-2 महीने रेस्ट करना चाहती थी, रिलैक्स करना चाहती थी, वो नहीं हुआ। तो जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि सारा सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग हो। तो जो मैं उस टाइम पे चाहती थी, समहाउ वैसा वाला ही सिचुएशन है कि घर पे बच्चे नहीं है। हाँ, आपकी जो सोच और लाइफ की जो परिस्थिति होती है उस पे आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स डिपेंड करते हैं, हैप्पीनेस डिपेंड करती है। तो उस टाइम पे जितनी एनर्जेटिक मैं होती, शायद मैं उतनी एनर्जेटिक अभी नहीं हूँ, बट अगेन वही है कि जब जो चीज़ मिल रही है ना, कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम उसमें अपना थोड़ा सा सुकून ढूंढ ले, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ दोस्तों हमेशा चलता रहेगा। मैंने तो अपने लाइफ से यही सीखी है कि परफेक्ट पिक्चर कुछ होता नहीं है। कैसी भी पिक्चर आई हो, उसमें कलर करेक्शन, एडिटिंग, टाइम लैप्स, ये सारा कुछ ना डालना पड़ता है उसको पिक्चर परफेक्ट बनाने के लिए। रिफ्रेशिंग सा शावर भी हो गया, बाहर अभी भी काले काले बादल है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो मैं सोच रही हूँ आज ब्रेड बेक करने का, अभी नहीं सोचा, सोच के रखा था। नॉट सिंपल ब्रेड, जो पाव भाजी वाले पाव बंस होते हैं ना, उसको लाडी पाव भी बोलते हैं, वो बेक करूँगी आज। तो मैं मैदे से बेक कर रही हूँ, बट उसको होल व्हीट से भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज नॉर्मल मैदे से कर लेते हैं और फिर कभी होल व्हीट से भी कर लेंगे। और आज मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ करने वाली हूँ, बट अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है फिर भी बहुत इजीली, हाथों की थोड़ी मेहनत लगती है, एक्सरसाइज होती है, बट उससे भी बना सकते हैं। मैंने इससे पहले काफ़ी बारी ननाइमो डेज में मैं काफ़ी इस तरह के डिनर रोल्स बनाती थी, लाइक सिर्फ सिंपल पाव नहीं, उसमें स्टफ करके, लाइक पनीर एंड ऑल स्टफ करके, चिकन स्टफ करके डिनर रोल्स बनाती थी, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो आज सिंपल पाव से स्टार्ट करते हैं और फिर जैसे जैसे मोटिवेशन बढ़ता जाएगा हम डिनर रोल्स भी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने दूध को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अभी मैंने 1 कप ऑफ मिल्क ऐड किया है और आधा कप हम बाद में यूज़ करेंगे आटा नीड करते टाइम। शुगर, शुगर हेल्प करता है ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए। मैं यूज़ कर रही हूँ क्विक राइस इंस्टेंट ईस्ट, और ईस्ट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पुराना है ना, फिर एक्टिवेट नहीं होगा अच्छे से और ब्रेड की प्रूफिंग नहीं होगी बढ़िया से, तो ब्रेड फूलेगा नहीं। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ईस्ट आप डाल रहे हो, लाइक क्वांटिटी का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो ब्रेड में ईस्ट की एक स्मेल आ जाती है जो कि डेफिनेटली अच्छी नहीं लगती है। ये छोटे वाले पैकेट ना अराउंड 1 टेबल स्पून ही है।
इसको 5-10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये बढ़िया से एक्टिवेट हो जाए। मैंने अराउंड 3.5 कप आटा लिया है और धीरे धीरे हम इसको ऐड करेंगे और फिर उसमें सॉल्ट को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब है हमारा ईस्ट बिल्कुल परफेक्ट है और अच्छे से एक्टिवेट हो रहा है। और अब मैं ये ईस्ट मिक्सचर इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने अराउंड 2 के स्पीड पे नीड करना स्टार्ट किया था और जो वॉर्म मिल्क बचा हुआ था वो धीरे धीरे मैंने ऐड किया। काफ़ी सॉफ्ट आटा गूंदना है हमें और अराउंड 10-15 मिनट्स मैंने टोटल टाइम लिया था आटे को नीड करने के लिए। बोल को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है और फिर आटे को रेस्ट करने के लिए रख देंगे अराउंड 2-3 आवर्स के लिए। आटे की प्रूफिंग काफ़ी अच्छे से हो गई थी तो इसको पंक्चर करके इसका सारा एयर निकालना होता है और फिर हम इसको अच्छा सा एक मसाज देंगे। अगर आपके हाथ में आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा बटर या फिर मैदा भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और ट्राई करेंगे कि इसमें कोई भी क्रैक ना रहे, बिल्कुल स्मूथ से बॉल्स बने और 2 बॉल्स के बीच में स्पेस काफ़ी कम रखना है। और जब ये बॉल्स बनाएंगे तभी हमें ट्रे को कवर करके रखना है वेट क्लॉथ से ताकि आटा ड्राई ना हो जाए। बॉल्स बनाने के बाद फिर से मैंने कवर कर दिया था और अराउंड 60 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया था। ये है हमारी सेकंड प्रूफिंग। अवन को प्रीहीट कर लिया है 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और लास्ट में मैं इस पे एक मिल्क वॉश लगा रही हूँ अच्छे से कलर के लिए। बाहर ठंड है पर फिर भी मैं आप लोगों को फॉल कलर्स दिखाना चाहती हूँ इससे पहले कि ठंड में सारे पत्ते झड़ जाए। इस व्यू का लुफ्त आप भी उठा लो मेरे साथ साथ, बहुत प्रिटी लग रहे हैं। पाव बंस तो काफ़ी सॉफ्ट बन गया है। अनुज भी ऑफिस से आ गए थे तो मैंने उनको टेस्ट कराया तो बोलते हैं चलो एक और खर्चा ख़त्म हुआ, ब्रेड अब घर पे ही बनाओ। तो डेफिनेटली अब मैं होल व्हीट से भी ट्राई करूँगी। तो पाव बंस तो बन गए हैं तो भाजी भी बना ली जाए। तो मैंने ऑलरेडी आलू, गोभी, कद्दू और बीट रूट बॉयल कर दिया था। कैरेट मेरे पास ख़त्म हो गया था इसलिए कैरेट नहीं डाला, अदरवाइज वो भी डाल सकते हैं। भाजी एक परफेक्ट वे होता है बच्चों को ना खूब सारी सब्जियां खिलाने का और ये शाकिर्ष दोनों का फेवरेट है पाव भाजी। खूब सारा अनियन और कैप्सिकम कट कर लिया है, ये हमारे गार्डन का ही है कैप्सिकम। अभी अभी क्या बोला आपने ब्रेड खा के, थोड़ा रीकैप कर दो। रीकैप कभी कभी सुनने को मिलता है ना इतना अच्छा। आज इसने जो ब्रेड बनाई है ना, जो ये बन बनाया बहुत अच्छे, मतलब खा के ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब ये घर में बने होंगे, बहुत अच्छे बने। तो बस अब यही मिला करेंगे। हाँ, हाँ,
Give me it for lunch one time. Lunch? Lunchbox? Mm. ये तो ऐसा नहीं, ऐसे भी खा लो, दूध के साथ खा लो, चाय के साथ खा लो, जैम लगा लो. डिनर डन हो चुका है, अभी ये लोग खतरों के खिलाड़ी देख रहे हैं. एवरी डे एक या दो एपिसोड ऐसे करके देखते हैं. मैं भी जाती हूँ, देख लूँगी एक एपिसोड. तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी. तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल.